सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर डबल कीमत पर बेची जा रही थी शराब, 20 बोतलों सहित युवक गिरफ्तार। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से शराब के ठेके से शराब की पेटी बेची जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद है, फिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शराब की बिक्री जोर पर है। ये वीडियो खरखोदा उपमंडल के गांव सिलाना का है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खरखोदा थाना प्रभारी विवेक मलिक का कहना है कि गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि लॉकडाउन के दौरान सिलाना गांव में शराब की कीमत को दोगुना कर बेचा जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए फरमाना चौकी इंचार्ज युद्धवीर ने डंपी व्यक्ति को शराब लेने के लिए सिलाना गांव में शराब के ठेके पर भेजा, जहां शराब विक्रेता ने दोगुनी कीमत में एक शराब की बोतल दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब विक्रेता को 20 शराब की बोतलों सहित दर्द पहुंचा। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर अपना नाम अमित गांव रुड़की का रहने वाला बताया और अमित ने बताया कि शराब जो है वो ठेका संचालक की परमिशन से दोगुनी कीमत पर बेची जा रही थी। खरखोदा थाना प्रभारी विवेक मलिक का कहना है कि ठेका संचालक पर भी मुकदमा दर्ज कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। दरअसल सुबह फरमाना चौकी को सूचना मिलेगी जो सिलाना विलेज के अंदर शराब का ठेका है, वहाँ शराब की बिक्री चल रही है। हमने एक बोगस ग्राहक तैयार करके और उसको पैसे दे के ठेके पे भेजा। ठेके के साथ लगते शटर जो ठेका उसके साथ लगती जो एक अलग दुकान है उसके अंदर से शराब की बिक्री चल रही थी। तो बोगस ग्राहक ने जैसे ही उनको पैसे दे के और शराब की एक बोतल परचेज की, उसके बाद पुलिस टीम ने उसको काबू किया। अंदर जो आदमी जो शराब बेच रहा था वो अमित वासी रुड़की है, जो साथ लगता ठेका है उस पर सेल्समैन का कार्य करता है और उसके पोजेशन से करीब हमें 20 शराब की अलग अलग ब्रांड की बोतलें मिली बरामद हुई। सर, ये बोतलें जी ठेके के साथ लगता जो कमरा है उसमें रख के ये शराब बेची गई थी। पूछताछ में प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें सामने आया है कि कारिंदे ने अपने मालिक से बात करके और जो शराब का ठेका है वो उसको खोल के और बिक्री के लिए ये साथ लगते कमरे में रख के और बेचना स्टार्ट किए हुए था। क्या इसमें सर कुछ कीमत में इजाफा किया हुआ था? जी बिल्कुल, डबल रेट था या कैसे? हाँ, डबल रेट के करीब हमने एक बोतल के लिए इसको 1000 रुपये को गोल्फर शॉट शराब की बोतल है उसके लिए हमें 1000 रुपये दे के इससे तब वो बोतल परचेज की गई है। जी बिल्कुल, जिन जिन का रोल है उस ठेका संचालक है या ठेका संचालक ने आगे जिसको भी बेच रखा है या जैसे जो इसका केयर टेकर है उस सभी के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है।